नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले रीट लेवल टू फोर्थ शिफ्ट 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई थी उसके जो पेपर है उसका आंसर की सटीक आंसर की देखने के लिए आप वीडियो को देखिएगा। वीडियो केवल 5 मिनट के अंदर आपको आंसर की देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही निचोड़ के बाद बनाई गई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण की खालिस्तान के संदर्भ में दो भिन्न अवसर पर एक परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा लब्धांगों की संगति से है। ए ऑप्शन होएगा इसमें विश्वसनीयता, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन ए मिलेगा 2009 के तहत आपको ये बच्चों को दिया गया राइट टू एजुकेशन का अधिकार। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, शिक्षकों को मानसिक रूप से विलक्षित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे क्या अधिक व्यवसायिक कौशल सीखे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षकों को इस प्रकार से विलक्षित लोगों को रखना चाहिए जिससे कि अधिक व्यवसायिक कौशल को वो अर्जित करा सके बालकों को। क्वेश्चन चार की बात करें, पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना ये क्रिया प्रस्तुति अनुबंध से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन राइट मिलेगा। आपके जितने भी क्वेश्चन से होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइव क्वेश्चन की बात करिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है। तो नहीं है में गतिशील दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो रहा है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए सम स्थिति, स्थिति और सम स्थिति, ए ऑप्शन आपको राइट आंसर मिलेगा। संतुलन इसका नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली सरकारी की तलाश करने की इच्छा नहीं रखती। तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है, क्योंकि ये उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश नहीं करती, तो ये आंतरिक प्रेरणा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आठ के क्वेश्चन की बात करें, तो प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। जो प्रतिभाशाली है की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, उसमें ए बी ऑप्शन होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा उसी से आपको पता चलता है कौन प्रतिभाशाली और कौन नहीं। बी ऑप्शन आपको राइट आंसर मिलेगा। नौ के क्वेश्चन की बात करें, तो यह है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। बी ऑप्शन मिलेगा इदम अहम और परम अहम, इदम अहम परम अहम, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। टेंथ क्वेश्चन की बात करें, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया। तो ये जीवन अस्तित्व है ये डार्विन के द्वारा, ए ऑप्शन आपको इसका सही देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन इसका होगा डार्विन। 11 के क्वेश्चन की बात करें, तो पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो किसका संज्ञानात्मक और किसका पियाजे का प्रमुख काल नहीं है, सी चक्रीय चरण नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही होगा और सारे के सारे सही हैं। इसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और चक्रीय चरण नहीं है। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है विचारण, थिंकिंग विचारण। तो सी ऑप्शन आपको राइट देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के साथ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये क्या है कि ऑप्शन सी आएगा, आसीन जीवन शैली, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आत्मसात्तीकरण, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका, आत्मसात्तीकरण वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए किया जाता है, आत्मसात्तीकरण कहलाता है। शिक्षा के तीन प्रमुख आधार है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर मिलेगा, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। क्या होगा, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। 16 का क्वेश्चन, डिसलेक्सिया से संबंधित आ गया, पढ़ने से में कठिनाई होना, ये सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीट हो रहे हैं एक दूसरे पेपर के अंदर, उसमें डिसलेक्सिया किससे संबंधित है ये प्रश्न पूछा गया था। डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई।
ए ऑप्शन। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है एम ए बट्टा सी ए गुणा सौ, ये लेवल वन में पूछा गया 23 तारीख को पहली शिफ्ट के अंदर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, निर्धारित मापनी। डी ऑप्शन आपको देखने का मिलेगा, डी निर्धारित मापनी। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? मानसिक मंदता, तो इसमें डी ऑप्शन आपको मिलेगा, मानसिक मंदता में तीव्र मंदता नहीं आती। 20 का क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और इसे उस कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह खालिस्तान प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है, कथनात्मक संप्रेतात्मक परीक्षण। ए ऑप्शन इसका होगा, TAT जिसको बोलते हैं। ये लेवल 2 के अंदर 23 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, सूक्ष्म प्रणाली माइक्रो सिस्टम के अंदर व्यक्ति रहता है। 22 की बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। बहुत सरल क्वेश्चन था ये। ITE अधिनियम 2002 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? मान्यता, मान्यता के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। 24 की बात करें तो अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को खालिस्तान कहा जाता है, अधिगम। अरे अधिगम, लर्निंग। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर मिलेगा। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, शारीरिक है, पर्यावरणीय है, मनोविज्ञान है और उपरोक्त सभी, क्योंकि आप सभी को पता है सीखने की प्रक्रिया में सब कुछ शामिल होता है, लर्निंग में। डी ऑफ 26 का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन, आनुवंशिका तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? सी जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। अब नवीन शोध की बात करें तो आपको सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बहुत से उपरोक्त सभी करके आया जो कि गलत होगा। ITE अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहित प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने निर्देश है? 45 घंटे। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बी ऑप्शन 45 घंटे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? इसमें जैविक निर्धारक नहीं है, डी ऑप्शन होगा, ए गलती से लगा, डी स्थितिजन्य संरचना, डी ऑप्शन। 29 की बात करें तो निम्नलिखित में से आनुवंशिक का सामान्य नियम नहीं है, आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, प्रगति नहीं है जी, ए प्रोग्रेशन। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। ITE अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, तो 1 से 8 तक की शिक्षा ही प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।